Good morning, students. I hope you have gone through the previous videos. Now moving on to another topic of group 17, we have oxyacids of halogen. Oxyacids of halogens. In the previous video, we have done halogen acids and their properties. Remember, we have done halogen acids. Now this is oxyacids of halogen. What are halogen acids? Halogen acids means when hydrogen and halogen combine together, halogen acid is formed. Here X is an halogen atom, so halogen acid is formed. Now when oxygen is also added to this, we will get oxyacids. So your difference is clear, that HX is halogen acid. When oxygen is also added to this, we will get oxyacids. Oxyacids का जो general formula है उसको हम लिख सकते हैं HOX. This is the general formula for oxyacids of halogens. अब कभी कभी बच्चों को doubt होता है, उन्हें लगता है कहीं oxyacids लिखा हुआ है book में और कहीं oxoacids लिखा हुआ है. तो let me tell you that there is no difference between oxyacids and oxoacids. Both are synonyms. Now, first of all, we will define oxyacids. That what are oxyacids? एक definition की अगर हम बात करें तो oxyacids की definition क्या होती है? तो definition of oxyacid is that an oxyacid or oxoacid is an acid that contains. An oxyacid or oxoacid is an acid that contains oxygen in it. Oxygen in it. Having at least one OH bond, or we can say a bond in which the replaceable hydrogen is linked with oxygen, and this oxygen will be linked to the central atom. Third condition is that an oxyacid is having at least one oxygen or oxygen atom linked with central atom through double bond. And the last condition is that an oxyacids contain at least one element other than oxygen and hydrogen. Contains at least one element other than oxygen and hydrogen. तो oxyacid को अगर हमें define करना हो कि oxyacids क्या होते हैं, तो oxyacid को कहते हैं ऐसे acids हैं जिसमें एक element हो और वो oxygen और hydrogen ना हो, उसमें कम से कम एक oxygen hydrogen bond हो, एक oxygen atom linked हो central atom के through double bond के through, और उसके अंदर oxygen present हो. तो these are the conditions through which we can define an oxyacid. Halogens form 4 oxyacids. हेलोजन 4 ऑक्सीएसिड्स बनाते हैं. और अगर हम इनके जनरल नेम की बात करें तो जनरल नेम जो होगा वो हो जाएगा हैलस एसिड, हैलिक एसिड एंड पर हैलिक एसिड. तो ये 4 ऑक्सीएसिड्स हैं हेलोजन के, हाइपोहैलस, हैलस, हैलिक और परहैलिक. अब इसमें जो ये हैल है, इस हैल का मतलब है हेलोजन, इसको हम हेलोजन एटम से रिप्लेस करेंगे. और अगर हम एक किसी भी हेलोजन एटम से अगर हम क्लोरीन से रिप्लेस कर दें इसको, तो वी विल गेट द नेम हाइपोक्लोरस एसिड. सिमिलरली क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड एंड पर क्लोरिक एसिड. आउट ऑफ दीज 4, 1, 2, 3, 4, दिस हैलिक एसिड इज द मेन एसिड. ऑक्सी एसिड्स की नेमिंग के भी कुछ रूल्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी हाउ अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड.
एक सॉल्ट के फॉर्मेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है, सिंपल सा आंसर है कि अ सॉल्ट इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस, और वी कैन से सॉल्ट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमें सॉल्ट बनाना है सोडियम सल्फेट, तो अगर आपसे पूछा गया है कि सोडियम सल्फेट कैसे बनाओगे तो ऑब्वियसली आप इसके लिए एक एसिड लेंगे, एक बेस लेंगे, जो सबसे सिंपल मेथड है बनाने का. जो हम बेस लेंगे उसमें जो मेटल इन्वॉल्व होगी वो Na होगी, तो बेस बन गया NaOH एंड SO4 कम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स एनायन सल्फेट कम्स फ्रॉम एन एसिड विच इज सल्फ्यूरिक एसिड और H2SO4. इन दोनों की रिएक्शन जब हम कराएंगे, ये आपका बेस है ये आपका एसिड है, इन दोनों की रिएक्शन जब हम कराएंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा Na2SO4 अलॉन्ग विद वाटर मॉलिक्यूल. इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. अब इसका इससे क्या कनेक्शन है हम समझते हैं. जब हम बात करते हैं कि कोई ऑक्सी एसिड है और ऑक्सी एसिड अगर IC से एंड हो रहा है, IC जैसे कि हैलिक एसिड और पर हैलिक एसिड, हैलिक एसिड में और पर हैलिक एसिड में ये हैलिक IC लगा हुआ है, तो अगर IC से कोई ऑक्सी एसिड एंड हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल हैलिक एसिड या फिर हम कह सकते हैं क्लोरिक एसिड, तो इट मीन्स इन दिस एसिड द एनायन पार्ट इज हैविंग सफिक्स 8. जो एनायन पार्ट होगा उसमें सफिक्स जो लगा होगा वो 8 लगा होगा. तो क्लोरिक एसिड का अगर हमें देखना है कि एनायन कौन से एनायन से ये एसिड जनरेट हो रहा है, तो क्लोरिक IC लगा हुआ है, इसमें हम 8 लगा देते हैं तो वी विल गेट क्लोरेट एनायन और ClO3-. इट मीन्स जो क्लोरिक एसिड है उसमें ClO3- या क्लोरेट आयन लगा होगा. अब आपको फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है कि क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा जब हम फॉर्मूला की बात करेंगे, तो क्लोरिक एसिड है IC है, क्लोरेट से आ रहा है, क्लोरेट बिल्कुल सिंपल है, आप क्लोरेट के रेफरेंस के लिए पोटेशियम क्लोरेट को भी याद कर सकते हैं, पोटेशियम क्लोरेट KClO3. तो जो क्लोरेट आयन का फॉर्मूला होता है वो ClO3- है. अब इसी को अगर क्लोरिक एसिड में कन्वर्ट करना है तो इसमें हम एक H+ को और जोड़ देंगे, तो वी विल गेट H+ और जोड़ दिया ClO3- में, तो वी विल गेट HClO3. तो HClO3 इज द फॉर्मूला फॉर क्लोरिक एसिड. तो जो थोड़े से नेमिंग है, वैसे दिस इज नॉट देयर इन योर कोर्स, बट स्टिल समझने के लिए अगर हम बात करें कि क्या इंडिकेशंस मिलते हैं हमें, जो ये ऑक्सी एसिड्स के नाम हमें दिए होते हैं उनसे हमें क्या इंडिकेशंस मिलते हैं, तो IC वाले जितने भी एसिड्स होते हैं वो जो जनरेट होते हैं जिस एनायन से, वो 8 सफिक्स वाले एनायंस होते हैं. सिमिलरली इफ एन एसिड ऑक्सी एसिड इज एंडिंग विद OUS, अगर कोई ऑक्सी एसिड है जिसमें लास्ट में OUS आ रहा है, तो इसका मतलब जो एनायन इन्वॉल्व होगा इस एसिड के फॉर्मेशन में उसमें जो सफिक्स लगा होगा वो ITE-8 होगा. हेलोजन से हट के अगर हम बात करें तो हमें पता है कि हमारे पास NO2- नाइट्राइट आयन, ये जो आयन है या एनायन है नाइट्राइट आयन, ठीक है, इससे नाइट्राइट ITE लास्ट में लगा हुआ है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है या एनायन है बेसिकली नाइट्रोजन का, तो इससे जो हम एसिड बनाएंगे उसमें हम OUS लगा के बनाएंगे और नाइट्राइट विल कन्वर्ट इनटू नाइट्रस एसिड और HNO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट. तो जितने भी एसिड्स ऑक्सी एसिड्स आईसी से टर्मिनेट हो रहे हों उसमें जो एनायन पार्ट लगा होता है वो 8 सफिक्स वाला होता है, और जितने भी ऑक्सी एसिड्स OUS से टर्मिनेट हो रहे हों उसमें जो एनायन पार्ट लगा होता है वो 8 होता है, राइट. जैसे कि अगर हम बात करें सल्फेट एसिड जो है वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, राइट. तो सल्फ्यूरिक लास्ट में IC आ रहा है और उसमें जो एनायन इन्वॉल्व है वो है सल्फेट, यानी कि 8 सफिक्स वाला एनायन इन्वॉल्व है. तो अब अगर हम जो ऑक्सी एसिड है अगर वो ले लें क्लोरस एसिड, तो क्लोरस एसिड में लास्ट में क्या आ रहा है, OUS आ रहा है. तो अगर OUS आ रहा है तो इट मीन्स इसमें जो एनायन इन्वॉल्व होगा वो होगा आपका क्लोराइट आयन,
क्लोराइट आयन, और क्लोराइट आयन का फॉर्मूला होता है ClO2-. अब इससे अगर हमें ये क्लोरस एसिड बनाना है तो हम इसमें सिंपली H प्लस जोड़ देंगे एक, एंड वी विल गेट HClO2. तो क्लोरस एसिड का फॉर्मूला आ जाता है HClO2. और जो हमने क्लोरिक एसिड की बात करी थी, क्लोरिक एसिड उसका फॉर्मूला आ जाता है HClO3. ये क्लोरस एसिड का फॉर्मूला है. और अगर क्लोरिक एसिड की बात करें तो क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HClO3. क्लोरेट एनायन इन्वॉल्व है, ClO3 माइनस, उससे आपका क्लोरिक आ रहा है. और हमें पता है कि जो OUS है, OUS सफिक्स जो है वो हमेशा किसको शो करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. और जो IC से जब हम टर्मिनेट करते हैं, अगर IC सफिक्स लगा हुआ हो तो वो हमेशा हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करता है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो होगी. यानी अगर हम HClO3 में बात करें तो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरस एसिड में जो Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उससे ज़्यादा आएगी. अभी हम बाद में वीडियो के एंड में इन सब एसिड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट भी कैलकुलेट करेंगे. सिमिलरली जो ऑक्सी एसिड्स हैं उसमें जो कुछ प्रीफिक्सेस यूज हुए हैं, जैसे कि अभी हमने जब नाम लिखे थे तो उसमें हमने लिखा था हाइपोहैलस एसिड, हाइपो. तो हाइपो प्रीफिक्स कब यूज किया जाता है, हाइपो का मतलब होता है द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट और द मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन ऑक्सी एसिड. लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ और हेलोजन, अगर हम हेलोजन के टर्म में बात करें, और मिनिमम नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सी एसिड्स, ऑक्सी एसिड. तो कहीं पर भी अगर आपको ये हाइपो दिख रहा है तो हाइपो का मतलब हमेशा होता है कम. और अगर किसी में पर लगा हुआ है प्रीफिक्स, जैसे कि हमने कहा था पर हैलिक एसिड, PER, पर को पर ऑक्साइड से मत कंफ्यूज करिएगा, दिस पर इज डिफरेंट. ये एसिड्स में यूज होता है. और इस पर को हम कब यूज करते हैं या ये पर क्या डिनोट करता है, पर प्रीफिक्स क्या डिनोट करता है, क्या शो करता है, तो ये शो करता है हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट और मैक्सिमम ऑक्सीजन इन ऑक्सी एसिड. और ऐसे एसिड्स जो होते हैं वो मोस्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं, मोस्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं. तो यहाँ पे जो हमने क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की बात करी थी वो हमारे पास था, क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास थे क्लोरस एसिड, ये फर्स्ट है. सेकेंड की बात करें तो है हमारे पास, नहीं सॉरी, फर्स्ट को हम लेंगे हाइपोक्लोरस एसिड, देन क्लोरस एसिड, देन क्लोरिक एसिड, देन पर क्लोरिक एसिड. फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे हम इनके? आई टोल्ड यू कि क्लोरिक एसिड जो है वो मेन एसिड होता है क्लोरीन का, या फिर हैलिक एसिड जो होते हैं वो मेन एसिड होते हैं जब हम ऑक्सी एसिड्स की बात करते हैं. फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि जो क्लोरिक है उसमें IC लगा हुआ है, जो एनायन पार्ट होगा वो होगा क्लोरेट आयन या क्लोरेट एनायन. और क्लोरेट एनायन का फॉर्मूला हम कैसे याद रखेंगे? हम पोटेशियम क्लोरेट से याद रख सकते हैं. पोटेशियम क्लोरेट का फॉर्मूला क्या रहता है? KClO3. अब इसमें से अगर हम इसको आयोनाइज कर दें या कैटायन को हटा दें तो वी विल गेट ClO3- एज एनायन पार्ट, राइट? तो क्लोरेट आयन का फॉर्मूला क्या होगा? ClO3-, करेक्ट? गॉट इट? तो क्लोरिक IC वाले एनायन आ रहा है क्लोरेट, और एनायन का फॉर्मूला है ClO3-. अब इससे हम एसिड बना लेंगे और हमारे क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला आ जाएगा HClO3. अब क्लोरिक को अगर हमें पर क्लोरिक में कन्वर्ट करना है, पर, तो पर इज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट. एक ऑक्सीजन आटम हम इसमें बढ़ा देते हैं,
एक ऑक्सीजन आटम अगर हम बढ़ा देंगे तो जो पर क्लोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला आ जाएगा HClO4, राइट। क्लोरस OUS वाले हैं, किससे आएंगे? आई टोल्ड यू क्लोराइड आयन से आएंगे। क्लोराइड का फॉर्मूला भी मैंने बताया था ClO2-, आप चाहे तो उससे बना सकते हैं। सिंपली आपको यह करना यह है कि क्लोरिक से लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी क्लोरस की, एक ऑक्सीजन आइटम को हम यहाँ पे कम कर देंगे। पर में हमने एक ऑक्सीजन आइटम को बढ़ाया है और क्लोरस में हम यहाँ से एक ऑक्सीजन आइटम को कम करके लिखेंगे, एक ऑक्सीजन आइटम को हम माइनस कर देंगे, तो वी विल गेट HClO2। ये आ गया आपका, यहाँ हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन आइटम प्लस वन किया है, प्लस वन किया है एक ऑक्सीजन आइटम, और यहाँ हमने क्या किया है, एक ऑक्सीजन आइटम को माइनस किया है, माइनस कर दिया है, वन ना लिखे तो माइनस एक ऑक्सीजन आइटम हमने किया है और प्लस वन किया है हमने यहाँ पे ऑक्सीजन आइटम को, ठीक है, ऑक्सीजन आइटम, राइट। अब क्लोरस से हाइपोक्लोरस बनाना है। हाइपो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मिनिमम नंबर होते हैं, और करना कुछ नहीं है, जो आपने क्लोरस एसिड बनाया है उसी क्लोरस एसिड में हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला हमारे पास आया है उसमें से एक ऑक्सीजन आइटम कम कर देंगे, तो वी विल गेट द फॉर्मूला ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड, दैट इज HClO। तो फिर से देख लीजिए, मेन एसिड इज क्लोरिक एसिड जिसका फॉर्मूला है HClO3, HClO3 में एक ऑक्सीजन बढ़ा दिया तो पर क्लोरिक एसिड आ गया, एक घटा दिया क्लोरस आ गया, और क्लोरस में से भी जब हमने एक ऑक्सीजन एटम को माइनस कर दिया तो हमारे पास आ गया हाइपोक्लोरस एसिड और HClO। अब इसमें जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हमने पहले भी कैलकुलेट करी थी कि जो हेलोजन्स हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो प्लस वन, प्लस थ्री, प्लस फाइव, प्लस सेवन, ये जाती हैं। अब इसमें किसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो वो हम चाहे एक्स मेथड से निकाल लें या सिंपली ऐसे ही हम देख लें कि HClO की हम बात करें तो एक्स प्लस वन माइनस टू, Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें आएगी प्लस वन, इसी तरह से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इसमें आएगी प्लस थ्री, जब इसमें कैलकुलेट करेंगे HClO3 में क्लोरिक एसिड में तो यू विल गेट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cl प्लस फाइव, और HClO4 में जब आप निकालेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी सेवन। अब इसमें से जो एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो इलेवेंथ में भी आ चुका है इनफैक्ट, कि ये सारे एसिड्स अगर आपको दिए हों और आपसे कहा जाए कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में लिखिए, तो यू नो कि सबसे ज़्यादा अभी बताया पर वाले जो होते हैं मोस्ट एसिडिक इन नेचर होते हैं, जैसे जैसे हमने पढ़ा है ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम बढ़ते जाते हैं ऑक्सी एसिड्स में, वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है HClO4 में, तो मोस्ट एसिडिक जो है वो होगा HClO4। तो सारे एसिड्स को अगर हम एसिडिक नेचर के हिसाब से अरेंज करके लिखें या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर के हिसाब से अरेंज करके लिखें तो मोस्ट एसिडिक विल बी HClO4, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो हाईएस्ट है, उसके बाद आएगा HClO3, देन HClO2, और लास्ट में जाएगा हमारा HClO, जिसमें Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट लोएस्ट होगी, दैट इज प्लस वन। यहाँ पे भी लिख देते हैं, इसमें हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला था Cl का प्लस फाइव और इसमें निकाला था हमने प्लस थ्री। नाउ वी विल लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड्स ऑफ फ्लोरीन। जितने ऑक्सी एसिड्स हमने पढ़े हैं क्लोरीन के ही रेफरेंस में बात कर रहे हैं, बाकी और हेलोजन एटम के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन बनेंगे उसी पैटर्न पे ही। Cl को हम रिप्लेस कर देंगे दूसरे हेलोजन एटम से, लेकिन आपके कोर्स में क्लोरीन के ऑक्सी एसिड्स के स्ट्रक्चर हैं तो स्ट्रक्चर बनाना हम सीखेंगे। स्ट्रक्चर के लिए कुछ रूल्स आपको बताए गए थे, वो रूल्स को ध्यान में रख के ही हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जिसमें से एक रूल ये है कि जब भी हम स्ट्रक्चर बनाते हैं और हम उसमें जब हम एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इनफैक्ट, तो उसमें हमेशा हम रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के थ्रू सेंट्रल एटम से लिंक करते हैं, और सेंट्रल एटम हम कभी भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को नहीं लेते। तो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट ऑक्सी एसिड ऑफ क्लोरीन, वी हैव हाइपोक्लोरस एसिड। रिमेंबर द फॉर्मूला क्या था, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था, एच था, सी एल था और ओ था, सब सिंगल सिंगल हैं, एक एच एक सी एल ओ। स्ट्रक्चर बनाना भी इसका सबसे सिंपल है,
सेंट्रल एटम इसमें कौन सा रहेगा एज पर द रूल, तो हाइड्रोजन होना नहीं है, ऑक्सीजन होना नहीं है, सीएल हमारा सेंट्रल एटम आएगा, और एसिड है तो इसमें एक ओएच बॉन्ड जरूर आनी चाहिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही सेंट्रल एटम के साथ लिंक होगी। जो स्ट्रक्चर बन के आता है वो बेंट स्ट्रक्चर होता है, ये ऑक्सीजन हमारा, ये एच आ गया और ये हमने इसके साथ लगा दिया सीएल। तो स्ट्रक्चर में हमें देखना भी क्या होता है कि हर एलिमेंट जो स्ट्रक्चर में इन्वॉल्व है उसका वैलेंसी सेटिस्फैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसको 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए जो वो इधर हाइड्रोजन के साथ और इधर सीएल के साथ शेयर करके ऑप्टेन कर रहा है। सीएल की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो ऑक्सीजन से ले रहा है शेयरिंग से, और हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में या हाइड्रोजन की एक ही शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए और वो ऑक्सीजन के साथ शेयरिंग से ले रहा है। तो कुछ ये स्ट्रक्चर बन के आता है। सीएल की आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये इन्वॉल्व हो गया और बाकी हमारे पास 3 लोन पेयर बच के आते हैं, वो 3 लोन पेयर ये आ गए। और जो शेप आता है मॉलिक्यूल का उसको हम कहते हैं बेंट स्ट्रक्चर, राइट। हाइब्रिडाइजेशन निकाल लीजिए आप, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा कि सीएल के हाइब्रिडाइजेशन की हम क्या बात करेंगे तो क्या निकलेगा, शॉर्टकट मेथड से भी अगर हम निकालें तो हम कहते हैं कि हम स्टेरिक नंबर ऑप्टेन करते हैं जो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड ये बन रही है, सिग्मा बॉन्ड हमारी ये बन रही है, हम सिर्फ इसी को ही कंसिडर करेंगे, 1 सिग्मा आ रही है, 3 लोन पेयर आ रहे हैं, तो 1 + 3 = 4, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो होगा sp3। ऑब्वियसली sp3 पे जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन VSEPR थ्योरी को फॉलो करेंगे तो नॉर्मल ज्योमेट्री हमें नहीं मिलेगी, ठीक है। ज्योमेट्री जो आएगी वो VSEPR के अकॉर्डिंग बेंट शेप आएगा। ये आ गया सिंपल सा स्ट्रक्चर। अब बाकी एसिड के स्ट्रक्चर्स बनाना हमारे लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, एक एक ऑक्सीजन बढ़ाते चलना है, HClO2 कर देना है, ये क्लोरस एसिड हमारा हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम का डिफरेंस है, यानी एक ऑक्सीजन एटम को हमें और बढ़ाना है। अब एक ऑक्सीजन एटम को अगर हम और बढ़ा के लेके चल रहे हैं तो जो लोन पेयर यहाँ पे हमें दिख रहे हैं वहाँ पे ही हमें लगाना है। ऑक्सीजन को जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। और इसी स्ट्रक्चर को अगर हमें, अब ये वाले स्ट्रक्चर को ही अगर हमें HClO2 में कन्वर्ट करना हो तो हम कुछ ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये Cl आ जाता है, ये आ गया हमारा लोन पेयर, ये आ गया हमारा लोन पेयर, ये लोब थोड़ा बड़ा हो गया है, ध्यान रखिएगा इसका। और ये वाले जो हमारे यहाँ पे Cl का लोन पेयर था वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हम दिखा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा ऑक्सीजन एटम। ये स्ट्रक्चर बन गया हमारा सिंपली। इसको हम दूसरी तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, सीएल को इस साइड में रखने के बजाय अगर हम दूसरे साइड में रख लें, इस साइड में अगर हम रख लें, आई मीन राइट हैंड साइड से उठा के अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रख लें तो एक दूसरा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से आ सकता है। इसी स्ट्रक्चर को अगर हम ड्रॉ करें तो वी कैन से ये हमारा सीएल हो गया, ये हमारा ऑक्सीजन हो गया, ये हमारा हाइड्रोजन हो गया, ये आ गया इसका एक लोन पेयर, ये आ गया इसका दूसरा लोन पेयर, और ये आ गया ऑक्सीजन एटम। ये स्लाइटली बेंड करके इसलिए बनाया है कि इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स होंगे उनके रिपल्शंस को मिनिमाइज करना है, इसलिए थोड़ा सा इधर की तरफ टिल्ट कर दिया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है। तीसरे एसिड पर आते हैं, तीसरा एसिड है क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड द फॉर्मूला इज HClO3। अगेन क्या डिफरेंस है दोनों में, एक ऑक्सीजन एटम बढ़ गया। अच्छा, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि इसकी ज्योमेट्री क्या आएगी, इसका शेप क्या आएगा। तो दिस HClO2 इसका जो शेप आता है वो कहलाता है पकर्ड शेप। पकर्ड शेप का मतलब क्या होता है, इट्स अ काइंड ऑफ रिंग फॉर्मेशन इन विच जो रिंग के एंड्स होते हैं, बोथ द एंड्स दे आर बेंड अपवर्ड्स, एक बोट टाइप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसका शेप इज पकर्ड शेप। HClO3 की बात करें तो HClO3 का जो शेप आता है वो होता है पिरामिडल, एंड दिस विल बी द स्ट्रक्चर। जो ऊपर स्ट्रक्चर हमें बनाया था बस उसमें ही हमने यहाँ पे जो लोन पेयर थे उसको रिप्लेस कर दिया डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम से और हमारे पास आ गया HClO3 का स्ट्रक्चर और पिरामिडल। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में sp3 हमने निकाला था, दूसरे स्ट्रक्चर में अगर हम बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा, एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, यानी टोटल 2 लोन पेयर है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम है, सिग्मा पाई
और ये सिग्मा, तो दो सिग्मा और दो लोन पेयर मिला के अगेन स्टेरिक नंबर 4 आ रहा है, और स्टेरिक नंबर अगर 4 होगा तो हाइब्रिडेशन sp3 होगा. इनफैक्ट इन ऑल द ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन एटम द हाइब्रिडेशन इज sp3. तो यहाँ पे हमने sp3 निकाला, इसमें भी हम हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा. एक लोन पेयर है और दो सिग्मा इधर और एक सिग्मा इधर, तो तीन सिग्मा हमारे पास है, एक लोन पेयर, स्टेरिक नंबर फिर 4 है और हाइब्रिडेशन इस केस में भी हमारे पास क्या होगा sp3. लास्ट एसिड जो हमारा है HClO4, यानी कि पर हैलिक एसिड, जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आता है Cl का +7. क्या करना है अब आपको क्लियर होगा कि आपको करना क्या है. सिंपली आपको ये जो लोन पेयर है इसको रिप्लेस कर देना है डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम से, तो कुछ ये स्ट्रक्चर हमारे पास बन के आ जाएगा. एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये, एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ये, और बाकी जो OH बॉन्ड लगी हुई थी वो OH बॉन्ड तो हमें दिखाना ही दिखाना है, क्योंकि हमारा एसिड है और एसिड में एक OH बॉन्ड जरूर प्रेजेंट होती है, या हाइड्रोजन जो है वो सेंट्रल एटम के साथ थ्रू ऑक्सीजन एटम लिंक्ड होता है. तो 1 OH बॉन्ड सारे ही ऑक्सी एसिड्स में है, और सारे ही ऑक्सी एसिड्स की हम बात करें तो यहाँ तक हमने हाइब्रिडेशन निकाल के देखा sp3 था. इसमें भी हम चेक कर लेते हैं हाइब्रिडेशन क्या आएगा. एक सिग्मा, एक सिग्मा, एक सिग्मा और एक सिग्मा, यानी 4 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास. लोन पेयर कोई नहीं बचा हुआ है, 4 सिग्मा बॉन्ड, स्टेरिक नंबर 4, हाइब्रिडेशन अगेन विल बी sp3. और अब कोई भी लोन पेयर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो जो एक रेगुलर ज्योमेट्री आती है sp3 के थ्रू वो होती है टेट्राहेड्रल. टेट्राहेड्रल तो HClO4 में हमें जो ज्योमेट्री मिलेगी वो होगी टेट्राहेड्रल. अगेन have a look of this sheet. We are having 4 acids of chlorine starting from hypochlorous. The structure is bent, hybridization sp3. Then chlorous HClO2, structure is puckered shape, hybridization of Cl in this oxy acid is sp3. The third one is HClO3 or chloric acid, in which the hybridization of chlorine is again sp3 and the shape is pyramidal. And the last acid HClO4, that is perhalic acid, the Cl undergoes sp3 hybridization and the shape is tetrahedral.